हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो विद वजीद। तो गाइज लेके आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ओरिजिन ओएस थीम। और ये जो थीम है ये बिल्कुल ओरिजिन ओएस की तरह वर्क करता है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल में ओरिजिन ओएस की फीलिंग लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो को इन तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे इसी थीम के बारे में और देखेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल में इस थीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में बता देता हूँ, जिसका कि नाम है अल्टीमेट ऐप। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल में ढेर सारे एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपके मोबाइल में स्पेस नहीं है, तो उसके लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस एक ऐप में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं जिससे कि आपके मोबाइल में स्पेस भी सेव होगा। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए जल्दी से इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, साथ ही साथ 5-स्टार रेटिंग भी दे दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपने मोबाइल में ओरिजिन ओएस की थीम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक गूगल ड्राइव के लिंक पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको एक थीम फाइल मिलेगा, सिंपली यहाँ पर आपको उसको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। डाउनलोड करने के लिए बहुत ही ईजिली है, यहाँ पर क्लिक करना है, गूगल ड्राइव का लिंक है। यहाँ पर मैंने कोई और वेबसाइट का लिंक या फिर एक्सटर्नल लिंक नहीं दिया है, क्योंकि इसके पहले जब मैं URL शॉर्टेक्स यानी कि एक्सटर्नल लिंक देता था तो कई लोग डाउनलोड नहीं कर पाते थे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया है, जिससे कि ये जो थीम फाइल है आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है अपनी फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग को ओपन करके यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले हिडन फाइल्स है, इसको इनेबल कर लेना है। जिनके मोबाइल में ऑफ है वो आप इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च पे जाना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड फोल्डर के जो डाउनलोड फोल्डर है उसको यहाँ पर ओपन करना है। यहाँ पर अभी हमने जो थीम फाइल को डाउनलोड किया था रिसेंटली वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने कोई भी पासवर्ड या फिर इसको जिप नहीं किया है, आप यहाँ पर फ्री में मतलब ईजिली यहाँ पर डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं पासवर्ड सेट करता था थीम में बहुत लोगों को प्रॉब्लम फेस होता था, तो यहाँ पर मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं डाला है। सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से एक बार बैक जाना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में DWD फोल्डर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करते रहना है 4-5 बार। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4-5 फोल्डर मिल जाएंगे। ये सारे फोल्डर मिलने के बाद आपको टी फोल्डर में जाना है और यहाँ पर जो अभी हम लोग ने कॉपी किया था फाइल को, जो थीम फाइल था, उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, थीम को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में आई थीम को ओपन कर लेना है। आई थीम को ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको लोकल का ऑप्शन मिल जाएगा, लोकल पे जाना है। और एक चीज़ मैं सबसे पहले बता देता हूँ, आप सेटिंग पे जाके अपना जो वर्ज़न आई थीम का उसको चेक कर लीजिएगा। आपके में ये वर्ज़न रहना चाहिए 6.0.0.0, कई में ये जो वर्ज़न है ये ज़्यादा रहता है, जिसके कारण आप जो भी थीम को अप्लाई करते हैं और जो भी थीम आप वहाँ पर लाते हैं वो हट जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है ना, तो यहाँ पर आप इस थीम वर्जन को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको YouTube पे कई सारी वीडियोस मिल जाएगी, उसको देख के एक बार आप इस ये जो आई थीम है इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको लोकल थीम में जाना है। लोकल थीम में यहाँ पर आपको ओरिजिन ओएस का थीम मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का थीम है, बहुत सारे फीचर है जिसके बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको इसको अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर फाइनली हमारे मोबाइल में ओरिजिन ओएस का थीम अप्लाई हो चुका है। और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो हमारा लुक है फ़ोन का वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सबसे पहले बात करें हमारे ऐप आइकन्स के बारे में, तो ऐप आइकन्स के बारे में तो आप देख ही सकते हो कि क्या ही गजब का लुक यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा है। जो भी यहाँ पर आइकन्स दिखने को मिल रहा है वो सब कुछ ओरिजिन ओएस की तरह दिखने को मिल रहा है। बात करें अब कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो भाई कंट्रोल सेंटर का लुक भी आप देख ही सकते हो, कंट्रोल सेंटर में कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं किया गया। उसके बाद बात करें स्टेटस बार के बारे में, तो स्टेटस बार में भी कोई खास चेंजेस नहीं किया गया। कॉल वगैरह भी वहाँ पर सेम ही है, बट जो मेन चेंजेस किया गया है वो किया गया लुक में। वॉलपेपर्स वगैरह आप देख सकते हैं, ऐप आइकन्स देखने को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है।
मेन बात ये है, ये जो थीम की खासियत है वो है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन आप देखिए भाई, मतलब यहाँ पर क्या ही गजब का लुक आपको दिखने को मिलता है। और ये जो लुक है, ऐसा नहीं है कि ये सब वर्क नहीं करते, सभी कुछ वर्क करते हैं। यहाँ पर आप कॉल पे टाइप करोगे तो कॉल का ऑप्शन होगा, यहाँ पर सेटिंग पे आप टैप करोगे सेटिंग ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा वगैरह, जो भी यहाँ पर आपको टॉगल्स दिख रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पर वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल फोटोज़, वेदर वगैरह सब कुछ। साथ ही साथ यहाँ पर जो मेन आप देख सकते हैं बैटरी का स्टेटस शो करता है, ये आपका फ़ोन जितना परसेंट है वो देखिए 48 था, 47 हो गया, इस तरह करके ये चेंज होते रहता है। और बस ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ आपको टॉगल्स दिखने को मिलता है, मेन बात तो ये है कि इस साइड में भी आपको बहुत ही अच्छा टॉगल दिखने को मिलता है। और जो ये थीम है, जिन लोगों को लुक और फीचर्स के लिए थीम चाहिए भाई, उनके लिए ये थीम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कैलेंडर मिल जाता है, कैलकुलेटर मिल जाता है, टाइम शो हो रहा है, फेसबुक ओपन कर सकते हैं, व्हाट्सअप लाइन वगैरह सब कुछ ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आप यूट्यूब तक ओपन कर सकते हैं, मतलब भाई क्या ही गजब का थीम है यार। इतना अच्छा मैप है, स्नैपचैट नोट ओपन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप, जो भी आप लॉक स्क्रीन से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेन खासियत है इस थीम का वो है लॉक स्क्रीन। तो दोस्तों आपको ये थीम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई थीम के रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको हमारे वीडियो में, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।